नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और फॉर्म में क्या क्या डिटेल भरनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सारा डिटेल देखने वाले हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पर्पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको देखिए, आप अगर मोबाइल से खोलते हैं तो आपको ये तीन लाइन दिखाई देंगी। इस तीन लाइन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2022 दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, ये दिखाई देने के बाद इस पे क्लिक करते ही देखिए रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पे डाल दिया गया है और लॉगिन का लिंक भी यहां पे डाला हुआ है। तो जैसा ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आपको सबसे पहले आपको अपनी जिला सेलेक्ट करना है, ठीक है। कैंडिडेट का नाम भरना है, यूजर नेम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है और रजिस्टर बटन पे क्लिक कर लेना है। तो इससे पहले दोस्तों, हम लोग ये करने से पहले जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल है। तो rozgarbihar.com पे आके आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, डायरेक्ट लिंक। तो बिहार डीएलएड में नामांकन लेने वाले इच्छुक विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, वर्ष 22-24 सत्र के लिए 27 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित ये जो एंट्रेंस एग्जाम है 2022-24 के लिए है और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन जो शुरू हुई है 27/6/2022 से और लास्ट डेट 17/7/2022। एग्जामिनेशन फीस जमा करने की अंतिम तारीख 19/7/2022 होगी। सीबीटी एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो अगस्त 2022 में आयोजित की जाएगी और कम से कम उम्र जो है 1/1/2022 को, 1 जनवरी 2022 को आपकी उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए और अधिकतम कोई सीमा निर्धारित नहीं है। जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी ₹960 आपको एप्लीकेशन फीस लगेंगे और एससी एसटी अगर आप है या फिर दिव्यांग है तो आपको ₹760 लगेंगे। आप ऑनलाइन मोड से ही पैसा जमा कर सकते हैं और बिहार डीएलएड में एडमिशन के लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ। वहीं अगर आप एससी एसटी या दिव्यांग है तो आपका 45% अंक भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों आपसे हिंदी, उर्दू, जो उर्दू बोर्ड से पढ़े हैं या फिर जो इंटरमीडिएट में उर्दू लेकर पढ़े हैं तो उनको उर्दू पूछा जाएगा और जो हिंदी लेकर पढ़े हैं वो उनको हिंदी पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन 90 अंकों के लिए, यानी एक क्वेश्चन अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं हिंदी उर्दू के लिए 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 अंक मिलेगा। मैथमेटिक्स के लिए 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 अंक मिलेगा। साइंस के लिए 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 अंक मिलेगा। सोशल स्टडी का 20, 60। जनरल इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 75 अंक। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 75 अंक। टोटल 150 अंकों की ये परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें 450 अंक आपको मिलेंगे। अगर ये देखिए 2 घंटे 30 मिनट का ये परीक्षा आयोजित किया जाएगा ऑनलाइन मोड से, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगा। ऑनलाइन मोड से वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। परीक्षा में आपको एक प्रश्न के लिए 3 अंक मिलेगा और एक गलत उत्तर देने पे 1 अंक काट लिया जाएगा। देखिए कोर्स फीस, आपको सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन होता है तो 15,000 से 20,000 खर्च पड़ेगा 2 साल में, और अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है तो 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक का खर्च पड़ेगा आपको 2 साल में। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हालांकि ये नंबर काम करता नहीं है। बिहार बोर्ड जारी कर देती है लेकिन उसका कोई भी नंबर काम करता नहीं है। अब देखिए ऑनलाइन का डायरेक्ट लिंक यहाँ पे भी आपको उपलब्ध है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट देखना चाहते हैं दोस्तों तो इस पे डायरेक्टली आप क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए सारे के सारे जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट है, ठीक है। टोटल बिहार में अभी 66 कॉलेज आपको मिलेंगे तो कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए देख सकते हैं यहाँ पे आपको बिहार डीएलएड का क्वेश्चन टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको उपलब्ध है, तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। पूरी पूरी सीरीज डाली हुई है तो यहाँ पे ढेर सारा वीडियो है डीएलएड के लिए, तैयारी के लिए, तो यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए आगे दोस्तों जो आपको दिखाया जा रहा है देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे तो डायरेक्टली आपका ये वेबसाइट रजिस्टर वाला बटन खुल जाता है और रजिस्टर पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना जिला सेलेक्ट करना है, तो जिला कर लेते हैं। अब यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डाल देते हैं,
अब यहाँ पे देखिए, यूजर नेम में आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है। तो ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। डालने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देखिए ये आपका लॉगिन पेज खुलता है, ठीक है। आपका ओटीपी भेजा जाता है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे, तो वही आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है और पासवर्ड भर के लॉगिन कर लेना है। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग कैंडिडेट का ओटीपी नहीं आ रहा है, लेकिन जिनका भी ओटीपी आ रहा है तो वो क्या करेंगे, ओटीपी डाल के यहाँ पे, ठीक है, अपना पासवर्ड चेंज कर लेंगे। पासवर्ड चेंज करने के बाद आपका फॉर्म खुलेगा, तो फॉर्म में अभी देखिए फॉर्म खुल नहीं रहा है, तो फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, अगर दोस्तों आपका देर से ओटीपी आता है तो आपको क्या करना है, लॉगिन बाद में भी कर सकते हैं आपका, अगर ओटीपी बाद में आता है तो यहाँ पे आएंगे, देखिए व्यू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से वही वाला पेज खुलता है, ठीक है। अगर खुल जाता है तो आपको क्या क्या, अभी फिलहाल मेरे नंबर पे तो ओटीपी नहीं आया है, लेकिन फॉर्म में क्या क्या भरना है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म में आपको यहाँ पे, इससे पहले डाउनलोड कर लेते हैं, फॉर्म में ये सब जानकारी आपको भरनी। सबसे पहले तो आपको कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट कोड नेम वगैरह जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन वाला ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। कैंडिडेट का नाम भरना होगा, मदर का नाम भरना होगा, फादर का नाम, और डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करके डालनी होगी। और उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है वो आपको टिक करना होगा। और उसके बाद अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो यस नो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेशनलिटी में इंडियन आपको सेलेक्ट करके डालना होगा। कैटेगरी में आपका एससी एसटी ओबीसी बीईबीसी बीसी जो भी है वो आपको टिक करना होगा। उसके बाद अगर आप दिव्यांग वगैरह है तो यस नो करना होगा। और उसके बाद अगर आप यस करते हैं तो किस प्रकार के दिव्यांग है वो आपको बताना होगा, ठीक है। और आगे आपका आता है आर्मी या एक्स सर्विस मैन से रिलेटेड है, उसके उनके फैमिली से रिलेटेड है तो यस नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फ्रीडम फाइटर से अगर आप रिलेटेड हैं तो आपको स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड फैमिली से है तो यस नो करना है। और उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपका मैट्रिक का डिटेल, जैसे कि बोर्ड का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेनेड और डिविजन परसेंटेज आपको डालना है। इंटरमीडिएट में भी वही डिटेल भरना है। और उसके बाद आपको, आपने इंटरमीडिएट आर्ट्स से किया है या साइंस से किया है या कॉमर्स से किया है वो आपको टिक करना होगा। उसके बाद अगर आपने उर्दू विषय पढ़ा है इंटरमीडिएट लेवल पे तो यस करेंगे, अगर आपने उर्दू विषय नहीं पढ़ा है इंटरमीडिएट लेवल पे तो आपको नो करना है। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी, आप एड्रेस वगैरह भरने के बाद पेमेंट करना होगा, और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का आपको अपलोड करना है, जैसे मार्कशीट हो गया और मैट्रिक इंटर का, और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आपको अपलोड करना है। आधार नंबर वगैरह आपको डालना होगा और डिक्लेरेशन आपको लास्ट में आएगी, उस पर टिक करने के बाद आपको फॉर्म को सबमिट करना है। तो ये सब जानकारियां जो है ये ऑफलाइन के माध्यम से बताई गई है कि क्या क्या डिटेल आपको भरना है फॉर्म में, ठीक है। तो डिटेल आप लोगों को पता है हो ही गया है। फिलहाल अभी लिंक सही से काम नहीं कर रहा है, बिहार विद्यालय का काम जो है ऐसा ही होता है, एक आदमी को अगर 70 काम दे दिया जाए तो ये ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये देखिए अभी रजिस्टर अभी काम नहीं कर रहा है, काम करने के बाद आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल के अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।